प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.4 करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है पहला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। मतलब जो भी हमें डिजिट्स गिवन है ना, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, जिसे हम कभी कभी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। जो इसका पहला पार्ट है वो है 2304। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे 2304। देखने याद रखना चाहिए, जोड़ा जोड़ा होना चाहिए, और जिस नंबर से ऑफ यहां से करोगे ना, वही नंबर यहां पे भी आना चाहिए। नहीं 4 5 जो लिखोगे ऑफ 20 ऐसे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जिस नंबर से यहां से हम करेंगे वही नंबर हमें यहाँ पे भी आना चाहिए। 4 4s are 16। 30 में से 6 काटेंगे तो आएगा 7। अब ये दोनों नीचे लेना है हमें 0 और 4, क्योंकि दो दो का जोड़ा है। अब इसको ऐड करना है। 8 4 + 4 कितना हुआ, 8। अब 8 से अगर हम और करेंगे, 8 8 is क्या हुआ, 64। 8 8 is 64, 6 कैरी, 8 8 is 64 + 6 हुआ 70। तो किससे हुआ इसका, 48 से। 48 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का 2304 का। नेक्स्ट पार्ट है 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 4 4 8 9 यहाँ पे दो का जोड़ा बन रहा है और यहाँ पे भी दो का जोड़ा बन रहा है। तो हम किससे करेंगे, अगर हम देखेंगे 6 6 36, 7 7 49, लेकिन 49 44 से ज्यादा है। अब हम किसे करेंगे, 6 से। 6 6 = 36। 40 में से 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 8। 3 में से 3 वो 0। अब ये जो दो है 89, इसको हम नीचे ले आएंगे तो इनको ऐड करना है। 6 + 6 कितना हुआ, 12। अब हमें वो नंबर ढूंढना है, या तो इससे बराबर हो जाएगा या इससे कम हो जाएगा। आपने अगर स्क्वायर रूट में पढ़ा होगा जो फर्स्ट डिजिट पे किस किस नंबर से 9 आता है, 7 से आता है और किससे आता है। पहले हम 7 का देखेंगे। 7 7 7 = 49। 4 आए कैरी, 7 2 = 14। 15 16 17 18 बनाया कैरी, 7 + 7 और हुआ 8। तो इसका मतलब हुआ ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्या है, 67 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 4 8 9। तीसरा पार्ट क्या है, 3 4 8 1 3 4 8 1। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। इसलिए मैं को यहाँ पे रूट में लगा दूंगी। तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम करेंगे 3 4 8 1, दो दो को का जोड़ा। अगर हम करेंगे 6 6 = 36, वो 34 से ज्यादा पड़ता है। अब क्या करेंगे हम, इसे छोटा है 5 5 5 = 25। 40 में से 5 काटेंगे तो कितना आएगा, 9। अब ये जो 81 का जोड़ा है इसको नीचे ले आएंगे। 5 + 5 कितने हुए, 10। 5 + 5 = 10। अब ये हमें देखना होता है कि हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये या इसके बराबर आ जाएगा या इससे थोड़ा कम आएगा। अगर हम करेंगे 8 से, अगर हम करेंगे 8 से, दैट मीन्स यहाँ पे भी 8 होना चाहिए। 8 8 into 8 8 is 64।
एट जुटा जीरो, लेकिन यहाँ पे सिक्स आएगा कैरी का, एट वन जार एट, ये इसे कम पड़ता है। अब हम देखेंगे इसके बाद है नाइन, नाइन नाइन जार 81, थोड़ा थोड़ा किलो मिल गया हमको क्योंकि यहाँ पे वन डिजिट पे वन आया। नाइन नाइन जार 81, एट कैरी, नाइन जीरो जार जीरो, और ये एट यहाँ पर लिखेंगे कैरी का, नाइन वन जार नाइन, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स जीरो। तो हम कह सकते हैं इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा, 59, 59 इसका परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 529, 529, 529। अब आप अच्छे से देखिए 529, यहाँ पे ये जोड़ा बन गया 29, लेकिन 5 जो बेचारा है ये अकेला ही रह गया, इसके लिए हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, ठीक। फिर इसका भी जोड़ा बन गया। अगर हम लिखेंगे 5 5 जो वो हुआ 25, या 3 3 जार 9, अब क्या लिखेंगे हम 2 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो 5 में से 4 काटेंगे तो कितना आया 1। अब जो ये 29 है इसको पूरा ले जाना है नीचे, तो 2 प्लस 2 कितने हुए 4। अब किस नंबर से इसको करेंगे, मतलब 3 से देखेंगे, अगर गलत होगा फिर हम ऐसे ही करेंगे, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, नहीं बराबर हो जाता है। तो 5 2 9 का क्या आएगा स्क्वायर रूट 23, 5 9 का स्क्वायर रूट आएगा। फिफ्थ पॉट है इसका 3 2 4 9, 3 2 4 9, तो स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 3 2 4 9, 3 2 4 9। अगर हम देखेंगे पहले 6 से, 6 6 हुआ 36, 6 6 हुआ 36, से इससे ज्यादा पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इससे कम क्या है 5 5 5 जार 25, 12 में से हम काटेंगे 5, वो कितना आएगा 7, और जो ये 49 है इसको ऐसे ही नीचे ले आना है। 5 प्लस 5 इनको ऐड करना होता है, 5 प्लस 5 कितना होता है 10। अब उस नंबर से हमें इसको ये करना है डिवाइड, ताकि वो या तो बराबर आ जाए या इससे थोड़ा कम पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे 3 से, अगर हम 103 3 3 जार हुआ 9, 3 जीरो जार 0, 3 1 जार 3, वो बहुत कम पड़ता है। अब और कौन सा नंबर है जिसके जो 1 डिजिट है वहां पे 9 आता है, 7 है, 7 7 जार 7 7 जार क्या हुआ 49, 7 0 जार 0, लेकिन कैरी का 4 यहाँ पे लिखेंगे, 7 जार 7, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा 57। अब जो है सिक्स्थ पार्ट है हमारा 1 3 6 9, 1 3 6 9 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट 1 3 6 9। अगर हम 4 4 जार करेंगे वो आएगा 16, लेकिन ये 13 है, बहुत कम है इसे, तो हम क्या करेंगे 4 से पहले क्या आएगा 3 3 3 जार 9, 13 में से 9 काटेंगे 4 आएगा, तो ये 69 ऐसे ही नीचे आएगा। 3 प्लस 3 कितने हुए 6। अब किस नंबर से इसका हो जाएगा, अगर हम 3 से करेंगे वो बहुत कम पड़ जाएगा, अब 7 है दूसरा जिसकी 1 प्लस पे 9 आता है, 7 7 जार 7 7 जार 49, 7 6 जार 42 प्लस 4 हुआ 46, तो क्या आएगा इसका 37। नेक्स्ट पॉट है 5 7 7 6, तो यह है सेवंथ पॉट 5 7 7 6, इसका हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट 5 7 7
सिक्स, दो दो का जोड़ा किससे करेंगे? अगर हम देखेंगे सिक्स सिक्स जा हुआ 36, सेवन सेवन जा हुआ 49, एट एट जा हुआ 64, एट एट जा ज्यादा पड़ता है, अब इसे छोटा है 7, सेवन सेवन जा 49। जब हम 70 में से 9 काटेंगे वो आएगा 8। अब ये जो 76 है इसको ऐसे ही नीचे ले जाएंगे हम, 7 प्लस 7 कितने हुए 14। अब किस नंबर से करेंगे? सिक्स, अगर हम सिक्स से करेंगे यहाँ पे देखेंगे पहले 146 इंटू सिक्स, सिक्स इज 36, 36 फोर जार 24, 25, 26, 27, 6, 1, 6, 2, 8। हाँ अब सिक्स से करेंगे, सिक्स सिक्स आर 36, सिक्स फोर आर 24, 24 प्लस 3 27, 2, 6, 1, 6 प्लस 2, 8, तो नेक्स्ट क्या होगा 76। अब मैं लास्ट वाला पार्ट दिखाऊंगी इसका, एक्स आई आई पार्ट, वो है 900। क्या है 900? रूट ऑफ 900, तो 900 यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी जीरो डालेंगे, तो थ्री से देखेंगे, थ्री थ्री जार 9, ये दो दो जीरोज हैं, ये नीचे आएंगे जीरो जीरो, थ्री प्लस थ्री कितने हुए 6, अब किससे हो जाएगा जीरो से, जीरो यानी मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसका क्या आएगा 30, 30 इसका स्क्वायर रूट आएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह, कल इंशाल्लाह हम दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे, फी अमान अल्लाह।